प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर इस फिल्म को लेकर चर्चा में रही तमाम विरोधाभासों पर विराद लग गया है। अनुपम खेर बोले, मैं यह फिल्म नहीं करना चाहता था। मेरे पास जब इस फिल्म का प्रस्ताव आया तो मैं इसे कतई करने के मूड में नहीं था। मुझे लग रहा था कि ये एक सियासी फिल्म होगी और इसे करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। फिर फिल्म के निर्माताओं में से कुछ लोग मुझसे मिलने आए और मुझसे इसे पढ़ लेने को कहा। फिर एक दिन मैं टेलीविजन देख रहा था और मुझे मनमोहन सिंह जी किसी कार्यक्रम में दिखाई दिए। मुझे ख्याल आया कि क्या मैं इनकी तरह चल सकता हूँ, तो मैंने अपने घर में ही उनकी तरह चलने की कोशिश की और मेरी ये कोशिश बहुत खराब थी। बस यही चुनौती मेरे मन पर असर कर गई और मैंने यह फिल्म एक चुनौती के तौर पर स्वीकार की।